भगवान का पता चल गया है, भगवान कहाँ रहते हैं। आइए आज हम भगवान के टॉपिक पर भगवान से संबंधित तार्किक रूप से बात करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। भगवान का पता चल गया है कि कहाँ रहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो पूरा वीडियो एक बार जरूर सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और समझिए। गजराज हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उसने हरी को पुकारा। हरी नंगे पांव दौड़े आए और मगरमच्छ का वध गज को मुक्त कराया। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो उसने भी हरी को पुकारा। हरी ने आकर उसको भी बचाया। होलिका ने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की तो प्रहलाद ने हरी को पुकारा, हरी उसको भी बचाने आया। गोकुल वासियों ने इंद्र के प्रकोप बाण से बचने हरि को बुलाया, हरि ने गोवर्धन पर्वत एक उंगली से उठाकर उनको बचाया और भक्त मरते रहे और भगवान दिखते रहे। आपने सिर्फ अपना घर यानी मंदिर बचाया। अब नेपाल में भूकंप आया, भक्त फिर भगवान को प्रार्थना करने लगे लेकिन कोई भगवान नहीं आया बचाने। इससे पहले भी भूकंप, दंगे, फसाद या कोई अन्य त्रासदी होने पर भी सब भगवान को पुकारते रहे लेकिन कभी कोई भगवान नहीं आया। इससे यह सिद्ध होता है, इससे सिर्फ एक ही बात सिद्ध होती है कि भगवान बचाने को तो आता है लेकिन सिर्फ मिथकीय किस्से, मनोहर कहानियों में, काल्पनिक कहानियों में। अब अगला सवाल होता है कि भगवान कब सहायता करने आता है। सीधी सी बात है, जब कहानी लिखने वाला भांग खा कर लिखने लग जाए तब। अगला सवाल, भगवान किसकी मदद करता है। निष्कर्ष कहता है, भगवान पौराणिक कथाओं के सिर्फ अपने जैसे ही काल्पनिक पात्रों की रक्षा करता है। अगला सवाल, भगवान कहाँ रहता है। ईश्वर का अस्तित्व मानव मस्तिष्क के अलावा कहीं नहीं है। वो कुछ लोगों के दिमाग में डर के रूप में बसे होने के अतिरिक्त मिथकीय झूठे किस्से, मनोहर कहानियों में ही रहता है। इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष यह निकलता है कि यथार्थ और वास्तविकता के धरातल पर न तो कभी किसी ने ईश्वर को देखा है और न ही कभी कोई भगवान किसी की मदद करने आया है। डर का दूसरा नाम ही भगवान है और डर के आगे क्या है, जीत है। इसीलिए डर से आगे निकलिए और जीत को हासिल कीजिए। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए, सोमनाथ का मंदिर लूटा और भयानक मारकाट की। भक्तों ने फिर भगवान को पुकारा। गजनवी के सैनिक रक्तपात करते रहे लेकिन कोई भगवान नहीं आया। क्यों? भारत पर हमला करने सक तुर्क, गौरी, खिलकी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, डच, अंग्रेज आए लेकिन भारत भूमि को लंबी गुलामी से बचाने कोई नहीं आए। क्यों? औरंगजेब ने अपने भक्तों को मार मार कर मुसलमान बनाया लेकिन सहायता के लिए हरि नहीं आए। क्यों? बेचारे भक्तों केदारनाथ दर्शनों के लिए गए, अब केदारनाथ में प्रलय आ गई, 20,000 भक्त मारे गए। भक्त फिर भगवान को सहायता के लिए पुकारते रहे लेकिन कोई भगवान नहीं आया। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि कोई भगवान नहीं है और है तो मिथकी है, काल्पनिक है, जिसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, पुरातात्विक सबूत नहीं है। इतिहास उसी के होते हैं जो कभी था और इतिहास उसका नहीं होता जो कभी था ही नहीं। इसीलिए तर्क, बुद्धि, निरीक्षण, परीक्षण और ज्ञान का उपयोग करें, अपने बोध बुद्धि का प्रयोग करें और समझें, खुद जागें और लोगों को भी जागने का प्रयास कराएं। ब्राह्मणवाद की झूठी कहानी का पर्दाफाश होगा, आज नहीं तो कल निश्चित होगा। देश के लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान छीनने वाले दुश्मनों का सत्यानाश होगा, विनाश निश्चित होगा। जब शेर जागेगा तो लुटेरा गिदड़ दुम दबाकर भागेगा। ब्राह्मणवाद भगाओ।
आत्मविश्वास जगाओ। सवेरा और उजाला तब नहीं होता जब सूर्योदय होता है, इसके लिए आंखें भी खोलनी पड़ती है।